बता दें। दूसरी बात, आपने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से की, 2019 में जिस तरीके से लोगों को निकाला गया था, हमने एक अपील का फोरम लोगों को दिया, क्योंकि उस वक्त ये फोरम मुहैया नहीं किया गया था, तो हमने एक फोरम दिया है और हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है 8171, जिस पर कहा गया है कि लोग अपना CNIC नंबर भेजें, ताकि हम मालूम कर सकें कि लोगों के साथ जायज़ या नाजायज़, जो भी उनको लगता है, अगर उनको नाजायज लगता है तो उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि इस चीज़ को हम कंसिडर करें। तो ये अभी तक मेरे ख्याल है 2 लाख के करीब इस वक्त तक कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और इसका मुआयना किया जा रहा है। और जो जिस तरह आपने कहा है ना कि जी अर्जेंट पासपोर्ट बनाने पे, अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनाने पे, और वो जो टेलीफोन मोबाइल जो है, खवातीन कहती हैं हमारे नाम पे तो सिम ही नहीं था, और हमारे नाम पर अगर 1000 रुपये किसी ने खर्च किए तो हमने तो इसका पता भी नहीं है, तो इस तरह के जो इन्होंने फिल्टर लगाए ना, इसको हम रिविजिट करेंगे और इसके हवाले से बाकायदा फैसला करेंगे। और इस फैसले के बाद इंशाल्लाह यकीनन ये ऐसे फिल्टर्स जो इन्होंने खुद साख्ता फिल्टर्स लगाए हैं, इस पर कोई प्रोसेस नहीं था, कोई गुफ्तोशनीद नहीं थी, कोई स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर कोई इसको टटोला नहीं गया, तो इस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। और जो मज़ीद 6 मिलियन लोग हम इस दायरे में शामिल करेंगे, उन पर ये कतगने नहीं लगेंगी। ये जो कतगने हैं ना, अर्जेंट शनाख्ती कार्ड, अर्जेंट पासपोर्ट, इस तरह की, ये कतगने इन लोगों पर जो 6 मिलियन 8 मिलियन के साथ ऐड किए जाएंगे, जो 2000 रुपये जो हमें ऐसे कहा ना, एडिशनल तो 8 मिलियन लोगों को मिलेंगे, 2000 वो एडिशनल मिल रहे हैं, लेकिन जो बाकी 6 मिलियन जिनको हम देंगे ये रिलीफ 2000 रुपये की, उनके ऊपर ये कतगने नहीं लगाई जाएंगी।